हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम इंपोर्ट लाइफ फील्ड ग्रुप चैनल। दोस्तों, मेरा नाम दिलसाद और आज किस नए वीडियो में हम बात करने वाले पाकिस्तान सुपर लीग के मैच नंबर 4 के बारे में, जो कि फिलहाल खेला जाएगा कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड्स के बीच में। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस मैच में अपनी स्मॉल लीग ग्रांड लीग हेड टू टाइम किस प्रकार से बनाएंगे, तो यार बिल्कुल परफेक्ट वीडियोस में आए, क्योंकि इस वीडियोस में डिस्कस करने वाले एंड गाइस आपको इस वीडियो में इस मैच से रिलेटेड जो है हेडक्वार्टर्स पेरिक्वार्टर्स प्लेयर स्टेट्स और प्लेइंग 11 भी आपको दोस्तों यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड्स की क्लियर हो जाएगी एंड साथ ही साथ टीम कैप्टन वाइज का कॉम्बिनेशन सब कुछ मिलने वाला। तो वीडियोस को आप लोग अभी से लाइक कर दें एंड दोस्तों वीडियोस को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, अगर हम बात करें मैच स्टार्ट कब होगा, 16 फरवरी इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग 8 बजे शाम में स्टार्ट होने वाला। टीम न्यूज़ के अगर हम बारे में बात करते हैं, कराची किंग्स जो कि रिसेंट एक मैच के लिए और फिलहाल लॉस भी है, टीम की कप्तानी इमाद वसीम कर रहे हैं एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड्स की बात करते हैं, इस टीम ने रिसेंट अभी कोई मैच नहीं खेला है और टीम की कप्तानी जो है दोस्तों सदाब खान कर रहे हैं। पिच रिपोर्ट के अगर हम बारे में बात करते हैं, तो ये जो है स्टेडियम रहने वाला है नेशनल स्टेडियम, जिस स्टेडियम में मैच होने वाला है एंड गाइस आपने देखा रिसेंट भी यहाँ पे एक मैच हो चुका है। अगर डीपली दोस्तों इस स्टेडियम के बारे में हम जानते और समझते हैं, आपको पता है यार पाकिस्तान के जितने भी पिच हैं दोस्तों, जो कि बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है, हाई स्कोर वहाँ पे बनता है और खास करके जब दोस्तों जो कोई लीग चल रही हो तो यार वहाँ पे मतलब कंपलसरी है कि स्कोर बनेगा ही बनेगा गाइस, बट ये टीम पे भी डिपेंड करने वाला है। अगर हम बात करते हैं, देखिए बैटिंग पिच तो दोस्तों ये रहने वाली है, पेस बॉल के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। एयर स्कोर की हम बात करते हैं, फर्स्ट इनिंग दोस्तों यहाँ पे 180 का हो सकता है, बट ये टीम पे डिपेंड होने वाला है कौन सी टीम का बैटिंग लाइनअप बढ़िया है वो हम देखेंगे गाइस। और अगर हम बात करते हैं रिसेंट जो इस ग्राउंड पे मैच खेला गया, पीएसयू टीम यानी कि पेशावर जालमी ने फर्स्ट इनिंग बैटिंग करी थी, 199 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में दोस्तों, एंड कराची किंग्स जो कि इसी ग्राउंड पर खेली थी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 197 रन बना लेते 5 विकेट के नुकसान पे, बट दोस्तों मैच को विन नहीं कर पाई थी 20 ओवर में। एंड जिसमें कि अगर हम बात करेंगे दोनों टीम की तरफ से जो है पेस बॉलर्स को 8 विकेट मिली थी, स्पिन बॉलर्स को 1 ही विकेट मिली थी, मतलब कि एडवांटेज दोस्तों यहाँ पे पेस बॉलर्स के साथ रहने वाला है। बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों कराची किंग्स के प्लेइंग के बारे में, स्टेट्स के बारे में, प्लेइंग तो आपको क्लियर होगी, बट अगर हम बात करते हैं दोस्तों इनके हेडक्वार्टर्स पेरिक्वार्टर्स के बारे में, इस टीम के जो ओपनर है दोस्तों सर्जिल खान, जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, मैथ्यू वेड के साथ दोस्तों ये ओपनिंग करने वाले हैं। सर्जिल खान के अगर हम बारे में बात करें दोस्तों, रिसेंट एक मैच इन्होंने खेला है जिसमें कि 0 ही रन है, लास्ट 5 मैचेस अगर हम देख रहे हैं तो कुछ कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 उसके बाद फिर 32 फिर 7 फिर 5 और फिर 12 गज और लास्ट वाले में देखा आपने कुछ अच्छा स्कोर देखने को नहीं मिला है। हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करते हैं गज, इस्लामाबादी यूनाइटेड्स के गेम में 6 इनिंग इन्होंने बैटिंग करी जिसमें कि 255 रन बनाए, 46 करोड़ से बैटिंग करें। कंसिस्टेंट रहे अगर बात करते हैं वेरी भी दोस्तों 18 इनिंग में 472 रन 27 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं। आपने देखा यार रिसेंट जो कि पूरी तरीके से फ्लॉप थे, इसी ग्राउंड पे मैच खेल करके आ रहे हैं, तो यार दोस्तों ग्राउंड को देखते हुए मेरे हिसाब से थोड़ा सा इनके ऊपर रिस्क ले सकते हैं टीम में रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 27 करोड़ से हेडक्वार्टर्स भी ठीक है, बट गाइस सभी टीम में रखना भी नहीं है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं पीसीएल में 25 करोड़ से बैटिंग करते हैं, 20 मैचेस में 226 करोड़ से बैटिंग करें। इनके साथ जो कि ओपन करने वाले मैथ्यू वेड, गाइस मैथ्यू वेड की बात करते हैं, विकेट कीपर एंड लेफ्ट हैंड बैट्समैन, आपको पता है भाई बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट बैट्समैन है और रिसेंट अगर हम देख रहे हैं तो यार 4 मैच इनके परफॉर्मेंस के देखिए 7 यहाँ पे फिर 40 फिर 19 फिर 30, मतलब टीम में दोस्तों आप इनको रख ही सकते हैं। रिसेंट भी 23 रन बना करके आ रहे हैं एंड अगर बात करते हैं हेडक्वार्टर्स की गाइस, तो फिलहाल एक भी मैच नहीं है, आपको पता है विन रिकॉर्ड्स की बात करते हैं गाइस 23 रन है जो कि रिसेंट वाले हैं एंड पीसीएल ट्वेंटी की बात करते हैं गाइस ये पहला ही मैच था। ओवरऑल भी अगर आप देखते हैं 20 मैचेस में 27 करोड़ से बैटिंग करें, कंसिस्टेंट बैट्समैन या टॉप ऑर्डर बैटिंग करें दोस्तों, तो इनको ड्रॉप नहीं करेंगे टीम में, आपको इनको रखना है, पहले टीम में दोस्तों हम इनको रखने वाले हैं। बात करेंगे वन डाउन बैट्समैन हैदर अली जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, रिसेंट दोस्तों इन्होंने भी एक मैच खेला जिसमें 12 ही रन है, अगर हम इनके लास्ट 5 मैचेस देखते हैं तो यार कुछ खास कंसिस्टेंट नजर नहीं है, देखिए 19, 1, 6 और 3 फिर 12 दोस्तों इनको ड्रॉप करने के लिए सोचेंगे, बट दोस्तों इनको रख सकते हैं तो किस वजह से रखेंगे, देखिए सामने वाली टीम के अगेंस्ट में यानी कि यूनाइटेड के अगेंस्ट में दोस्तों इन्होंने 4 मैचेस खेले जिसमें कि 65 रन बनाए और 34 करोड़ से बैटिंग करने गए। देखिए कई सारे मैचेस में नॉट आउट भी, बट इनका जो कि बैटिंग ऑर्डर दोस्तों रिसेंट मतलब कि अभी देख रहे हैं तो टॉप ऑर्डर पे, बट जो कि पिछले सीजन में दोस्तों इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत डाउन था, इसके वजह से दोस्तों ये नॉट आउट भी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं विन रिकॉर्ड्स की, 15 इनिंग में 284 रन बनाए दोस्तों इस ग्राउंड पर इन्होंने 20 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं, बट आपको पता है जो कि कुछ खास बैट्समैन नहीं है, रिसेंट अगर हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो कुछ अच्छा स्कोर देख करके नहीं आ रहे गाइस, तो फिलहाल इनको पहली टीम में हम ड्रॉप करने वाले हैं। कासिम अकरम की बात करते हैं गाइस, राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक बॉलर्स हैं, बट रिसेंट दोस्तों आपने देखा कि इनको स्पेल स्कोर नहीं मिले, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इन्होंने जो है बैटिंग करी थी, 7 रन बनाए। हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं गाइस, तो फिलहाल सामने वाली टीम के गेस्ट में इन्होंने एक ही मैच खेला जिसमें कि 51 रन, वो भी नॉट आउट, तो गजब का परफॉर्मेंस दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं, बट जो इस ग्राउंड पे दोस्तों इन्होंने खेला है या 7 ही रन है। ठीक है, तो दोनों तरफ से हम देखते हैं तो जो कि हेडक्वार्टर्स बढ़िया है बट वेन्यू पे फ्लॉप है, तो यार सभी टीम में दोस्तों इनको नहीं रखना है। अगर हम बात करते हैं पहली टीम में दोस्तों, पहली टीम में तो फिलहाल हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे। शोएब मलिक की बात करते हैं गाइस, तो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, रिसेंट की मैंने सजेस्ट भी किया था कि आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं एंड गाइस ये राइट हैंडेड बैट्समैन है, रिसेंट दोस्तों 52 रन बना करके आ रहे हैं, काफी अच्छी पारी खेली उन्होंने।
एंड आपको पता है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट देखने को मिले, हर तरफ से बैटिंग कर रहे थे और साथ ही साथ स्पिल के ओवर भी मिल रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे। बट यहाँ पे दोस्तों स्पिल पे कंफर्म नहीं यार, डिपेंड नहीं रहना, हमें बॉलिंग के बॉलिंग नहीं कराई है। एंड हेडक्वार्टर की बात करते दोस्तों, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड यानी कि सामने टीम के गेस में 16 मैच इन्होंने खेले, जिसमें कि 399 रन बनाए, 36 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं। और इस ग्राउंड में दोस्तों 16 मैच में 388 रन बनाए, 35 करोड़ से बैटिंग कर रहे, तो यार कंसिस्टेंट है। आप इनको स्मॉल लीग हेडवेट ग्रांड लीग में भी यार चाहे तो कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर सकते हैं, क्योंकि गजब के बैट्समैन दोस्तों, मतलब टाइम स्पेंड करते हैं और अच्छी खासी पारी खेलते हैं। आपने भी रिसेंट देखा है, 68 तक 52 रन ये बनाकर के आ रहे हैं, तो टीम में भी रखेंगे दोस्तों एंड कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन इमाद वसीम, जो कि टीम के कैप्टन, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, स्पिन बॉलर हैं। रिसेंट इन्होंने एक मैच खेला जिसमें कि 80 रन नॉट आउट, वो भी 0 विकेट के साथ। देखिए स्पिन फ्रेंडली पिच वैसे भी नहीं, आपको पता है पेसर के लिए एडवांटेज है, तो यार इनको टीम में जरूर रखेंगे। क्योंकि अगर हम देखते हैं सामने टीम के गेम में 13 मैच इन्होंने खेले जिसमें कि 204 रन बनाए, 20 करोड़ से बैटिंग करें और 5 इनिंग में दोस्तों बॉलिंग कराई जिसमें कि 15 विकेट है, तो बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट है, एडवांटेज है गाइस, यहाँ पे इनको आप जरूर कैप्टन बना लीजिएगा। बात करें वेन रिकॉर्ड्स की, तो 14 मैच इन्होंने खेले, 279 रन इस ग्राउंड पे बनाए, 31 करोड़ से बैटिंग करें। और ग्राउंड पे दोस्तों देखिए बॉलिंग ठीक नहीं है, 18 इनिंग में 9 ही विकेट हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बट यार बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और उसके साथ साथ रिसेंट भी अच्छा स्कोर ये लेकर के आ रहे गाइस, तो टीम में इनको रखेंगे गाइस। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो हेडक्वार्टर्स है बढ़िया है, बट पिच दोस्तों स्पिन के लिए बहुत मुश्किल से मतलब विकेट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। टीम में रखेंगे गाइस, कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इनको बना सकते हैं। बेन कटिंग की बात करते हैं गाइस, देखिए मैंने टीम में रखा, आपको प्रोवाइड भी किया और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे इन्होंने 9 रन बनाए और 1 विकेट भी मिली, स्पिल के 3 ओवर भी कराए गए, ठीक है। बात करेंगे सामने वाली टीम के केस में, इन्होंने देखिए बैटिंग तो नहीं करी क्योंकि मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन नहीं, दिख के बैट्समैन है। 4 इनिंग में दोस्तों इनको सामने वाली टीम के केस में 5 विकेट मिल रही, तो कंसिस्टेंट है, इनको टीम में जरूर लेकर के जाइएगा। ग्राउंड की अगर हम बात करते गए तो फिलहाल देखिए 10 मैच इन्होंने खेले हैं जिसमें कि 168 रन बनाए, 24 करोड़ से बैटिंग करें, 6 इनिंग में 4 विकेट भी है। बट दोस्तों आपको ड्रॉप नहीं करना, पहले टीम में इनको पिक करके चलेंगे। एंड अटैक की बात करते हैं, डाइटा मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं, रिसेंट दोस्तों इनको 1 मैच में 1 विकेट मिल चुकी है, पेसर बॉलर्स हैं, एडवांटेज है। लास्ट अगर मैचेस देखते गए तो यहाँ पे कंसिस्टेंट है, आपको हर मैच में ये विकेट प्रोवाइड करते हैं, बिग बैश लीग में दोस्तों आपने देखा है। हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं गए तो 1 भी मैच नहीं, वेन्यू पे रिसेंट वाला ही मैच है जो कि आपने देखा, 1 विकेट मिली, बट दोस्तों इनको भी हम टीम में लेकर चलने वाले हैं। मोहम्मद आर्मी की अगर हम बात करते हैं, देखिए सामने टीम का जो बैटिंग लाइन थोड़ा सा मुझे कमजोर लग रहा है, आप लोग भी देखेंगे आपको क्या लगेगा गाइस, उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। बट यार बॉलर जो कि हमें रखना है, एंटायर को भी हम रखने वाले हैं एंड उसके साथ बेन कटिंग, तो ऑलराउंडर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। इमाद वसीम भी वैसे ही है दोस्तों, यानी कि बैटिंग बॉलिंग दोनों इनके पास रहने वाला है। मोहम्मद आमिर की बात करते हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं दोस्तों, इनको जो है कोई विकेट नहीं मिली, बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट है। आपको पता है यहाँ पे देखिए विकेट मिल रही, बट दोस्तों देखिए हेड क्वार्टर इनका खराब था, बट फिर भी मैंने टीम में रख कर दिया क्योंकि रिसेंट परफॉर्मेंस ठीक था। बट कुछ अगर हम बात करते हैं इस मैच में, जो कि सामने वाली टीम के गेस में फ्लॉप है, 16 इनिंग में 13 ही विकेट मिले, ग्राउंड पर दोस्तों 14 में 9 विकेट है, तो यार यहाँ पे समझ सकते हैं कि मतलब टीम में रिस्की नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। बट आपको पता है टॉप क्लास बॉलर्स हैं, सभी लोग पिक करेंगे, तो मेरे हिसाब से यार इनको ज़्यादा टीम में नहीं रखेंगे और कम से कम ही टीम में रखेंगे, ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे। बट पहले टीम में दोस्तों मैं बताऊं तो इनको मैं ड्रॉप करने वाला हूं, ठीक है। मीर अमजा की बात करेंगे, इस मैंने पिक करके आपको दिया और आपने देखा रिसेंट इनको 1 विकेट भी मिली है। एंड अगर हम बात करते हैं सामने वाली टीम के गेस पे, तो ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं, 4 में 2 ही विकेट है, इस ग्राउंड पे 1 ही विकेट मिली है। एंड ओवरऑल पीसीएल की बात करते हैं, 12 में 13 विकेट हैं, तो दोस्तों इनको भी हमेशा भी टीम में नहीं रखना और पहले टीम में दोस्तों मैं इनको ड्रॉप करूंगा अपने, ठीक है। इमरान ताहिर की बात करते हैं, लेग ब्रेक गुगली बॉलर्स हैं एंड रिसेंट इनको 1 विकेट मिल गई है। अगर हम बात करते हैं लास्ट इनके मैचेस की, तो दोस्तों ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, दो विकेट यहाँ पे फिर 3 मैचेस में कोई विकेट भी इनको नहीं मिली है। बट बात करते हैं सामने वाली टीम के गेस में, 7 इनिंग में 10 विकेट है, तो यार यहाँ पे एडवांटेज भी है और कंसिस्टेंट भी है। वेन्यू दोस्तों 10 में 14 विकेट है, तो मतलब कहीं ना कहीं यार हेडक्वार्टर्स वेन्यूकॉट इनका गजब का है, इनको दोस्तों हम रख सकते हैं, ठीक है, अपनी टीम में इनको पहली वाली टीम में जरूर रखने वाले। बेंच प्लेयर की बात करते हैं, यहाँ पे आपको मिलेंगे तब्रेज़ शम्सी, जेम्स वाइन्स एंड आमिर यामिन, स्क्रीनशॉट आप दोस्तों ले सकते हैं। एंड उसके बाद बात करते हैं जेम्स फुलर, मोहम्मद उमर एंड तैयब ताहिर मूसा खान, दोस्तों ये आपको सारे के सारे प्लेयर जो कि बेंच पे मिलने वाले हैं। बात करेंगे यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम की प्लेइंग के बारे में, जो कि पॉल स्टर्लिंग, एलेक्स हेल, कॉलिन मिंडो, ठीक है, 4th नंबर पर आपको मिलेंगे शोएब मकसूद, राइट हैंड बैट्समैन आजम खान, शादाब खान, आसिफ अली एंड फहीम असराफ दोस्तों, मोहम्मद वसीम, हसन अली, अबरार अहमद। आप दोस्तों बात करते हैं इनके स्टेट्स के बारे में, हेडक्वार्टर्स में रिकॉर्ड्स के बारे में। इस टीम के जो ओपनर रहने वाले हैं, देखिए पॉल स्टर्लिंग, एलेक्स हेल, जहाँ तक मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, बाकी के अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, फटाफट आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे फ्री में टीम भी आपको दोस्तों मैं प्रोवाइड करता हूँ, आप मेरी टीम भी वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी तो आप यार यहाँ पे वीडियोस में सब कुछ देख ही लेते हैं, किस प्रकार को जो कि स्टेट्स रहता है प्लेयर का और किस को कैसे हमें यूज़ करना वो भी आप समझ सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे पॉल स्टर्लिंग के बारे में दोस्तों, राइट हैंड बैट्समैन है,
लास्ट अगर हम इनके 5 मैचेस देखते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ खास परफॉर्मेंस स्टार्टिंग मैच में देखने को नहीं मिलता, बट गाइस देखिए फिर यहाँ पे 39 फिर 19 फिर 21 और कुछ मैचेस में इन्होंने स्पेल कराए थे, बट यहाँ पे स्पेल पर डिपेंड नहीं होना गाइस। देखिए ये ऐसे प्लेयर्स हैं गाइस कि हम इनको टीम में रख भी सकते हैं, कोई हाई स्कोरिंग पिच है और यहाँ पे जो हिट करने वाले बैट्समैन खास करके दोस्तों उनके साथ ही आपको जाना है, भले ही दोस्तों उनका जो कि बता दूं कि रिसेंट परफॉर्मेंस ठीक ना रहा हो, बट उनको ट्राई करना गाइस और आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। क्योंकि देखिए रिसेंट जो कि टॉम कलर कवर्ड में दोस्तों यहाँ पे खेले हैं, ठीक है, तो उनका स्कोर आपने देखा था 92, मतलब हिटर बैट्समैन को जरूर रखना क्योंकि ग्राउंड दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों उनके सामने वाले टीम के गेस में, जो है उन्होंने एक मैच खेला है 39 रन बनाए, गजब परफॉर्मेंस कर सकते हैं। स्पिच पे दोस्तों 7 मैच में 244 रन बनाए 39 के, दोस्तों यहाँ पे भी इनका एवरेज है। ओवरऑल पीसीएल मैचेस में भी 32 के एवरेज से ही गेस ये बैटिंग करते हैं। यार पॉलिस्टिंग को हम नहीं ड्रॉप करेंगे, पहले टीम में इनको जरूर रखेंगे क्योंकि जो कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है और हाई स्कोरिंग पिच है दोस्तों, तो इनको जरूर रखने वाले हैं। बात करेंगे एलेक्सेल की, तो दोस्तों राइट हैंड बैट्समैन है एंड इनके लास्ट मैचेस की बात करते हैं तो कुछ खास नहीं रहे 5, ठीक है, बट आपने देखा U20 में इन्होंने शतक भी लगाया था, तो आपको पता है कंसिस्टेंट बैट्समैन भी है दोस्तों। एंड अगर हम बात करते हैं सामने वाली टीम के गेस में, 6 इनिंग में इन्होंने 167 रन बनाए, 27 कर से बैटिंग कर रहे हैं और इस पिच में दोस्तों इन्होंने 13 मैच में बैटिंग करी है जिसमें 382 रन 31 कर से बैटिंग कर रहे हैं, तो यार कंसिस्टेंट प्लेयर ये भी है। और ओवरऑल पीसीएल में दोस्तों 37 के एवरेज से बैटिंग करते, तो इनको दोस्तों हम टीम में जरूर रखेंगे, ठीक है। टॉप ऑर्डर के दोनों बैट्समैन को रखना है हमें क्योंकि हाई स्कोरिंग पिच को देखते हुए। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कोलिन मुंडो की, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है एंड देखिए रिसेंट अगर हम बात करें तो यार आपने पीसीएल में देखा कुछ खास नहीं था, बट फिर भी कंसिस्टेंट थे, मतलब 10 से 15 रन ये बना करके आपको जरूर दे रहे थे हर मैच में बैक टू बैक। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो कि पीसीएल में बहुत गजब की बैटिंग करते हैं क्योंकि हेडक्वार्टर की बात करते हैं, तो फिलहाल इन्होंने जो है 3 मैचेस खेले, ठीक है, 122 रन बनाए 61 के ओवर से बैटिंग कर, एडवांटेज है दोस्तों हेडक्वार्टर में। एंड वेरीक्वार्टर की बात करते हैं 7 मैच में 227 रन बनाए और 37 के ओवर से बैटिंग करेंगे, तो इनको भी हम टीम में रख सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि बैटिंग और थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉलिन मुंडो भी दोस्तों थोड़ा सा नहीं रिस्की हो सकते हैं, बट यार चूंकि हेडक्वार्टर्स वेरीक्वार्टर्स को देखते हुए हम टीम में रखेंगे इनको, ठीक है, टीम में रख सकते हैं। बट गाइस मेरे हिसाब से पहली टीम में रखना इनको ठीक नहीं रहेगा, दूसरी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं कोई ना गाइस, बट इनका हेडक्वार्टर्स वेरीक्वार्टर्स ठीक है, टीम में जरूर रख लीजिएगा आप। शोएब अख्तर की अगर हम बात करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन है, रिसेंट अगर हम बात करते हैं गाइस, तो फिलहाल इनका जो लास्ट परफॉर्मेंस है तो यहाँ पे मैंने रख दिया है, ठीक ठाक ही बैटिंग कर लेते हैं गाइस। एंड अगर हम बात करते हैं हेडक्वार्टर्स की, तो फिलहाल इन्होंने 7 मैचेस खेले, 147 रन बनाए, 28 के ओवर से बैटिंग करें, कंसिस्टेंट है। एंड वेरीक्वार्टर्स की बात करते हैं, 14 मैच में बैटिंग करी जिसमें कि 274 रन बनाए, 24 के ओवर से बैटिंग करते हैं गाइस। एंड देखिए टीम में रखने की बात करें गाइस, तो इनको आप कहाँ रखना है, स्मॉल लीग हेटवेड में, क्योंकि काफ़ी कम लोग इनको ट्राई करेंगे, कोई नए प्लेयर्स रहेंगे और इनके स्टेट्स के बारे में सभी लोगों को पता नहीं होगा गाइस, और ये टॉप ऑर्डर के बैट्समैन रहेंगे और देखिए पीसीएल में बहुत गजब की बैटिंग करते हैं 29 के ओवर से, ठीक है। कॉलिन मुंडो को देखिए आप जो कि हेडक्वार्टर्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ग्रांड लीग के लिए रख सकते हैं क्योंकि यार आपको पता है बैट्समैन ठीक ठाक है, हाई स्कोरिंग भी कर सकती है, ठीक है। एंड उसके बाद बात करते हैं आजम खान, जो कि विकेट कीपर राइट हैंड बैट्समैन है गाइस। लास्ट मैचेस की बात करते हैं यार, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अगर देखें तो यहाँ पे कुछ खास नहीं था, बट कंसिस्टेंट हैं और हाई स्कोरिंग भी ये दोस्तों कर सकते हैं। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो 6 इनिंग में 128 रन है, सामने टीम के केस में 21 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं। इस पिच पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं 13 इनिंग में 323 रन है, 26 करोड़ से बैटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों इनको अगर हम रखेंगे तो यार मैथ्यू वेट को थोड़ा सा हम रिस्क समझ सकते हैं, बट मैथ्यू वेट को जो दोस्तों विकेट कीपर सिक्स नंबर रख रहे हैं, इनको हम पहली टीम में ड्रॉप करने वाले। बट जैसे आपको एक चीज़ ये भी क्लियर कर देता हूँ, जब ये टीम पहले बैटिंग करते तो यार आजम खान को जरूर रखना है, फिर आप कॉलिन मुंडो जो कि शोएब अख्तर के ऊपर रिस्क ले सकते हैं ड्रॉप करने का। आजम खान देखिए हिटर बैट्समैन है, अटैकिंग बैट्समैन है दोस्तों, और ये पिच इनके लिए बहुत ही गजब की हो भी सकती है, ठीक है। शादाब खान की बात करते हैं, यार आपको पता होगा कि यार बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट एडवांटेज वाले प्लेयर्स रहते हैं ये दोस्तों पीसीएल मैचेस में। विकेट भी दोस्तों हर मैच में आपने पिछले सीजन में देखा कि 2 विकेट 3 विकेट इस प्रकार से दोस्तों ये निकाल रहे थे और उसके साथ साथ बैटिंग भी कर रहे थे, आपको पता होगा। बट अगर हम बात करते हैं कि रिसेंट परफॉर्मेंस की, जो कि लास्ट 5 मैचेस देखिए 7 रन प्लस 1 विकेट, फिर 22 रन प्लस 1 विकेट, 14 रन प्लस 2 विकेट, फिर 14 रन 3 विकेट, यहाँ पे दोस्तों 1 रन प्लस 0 विकेट, मतलब लास्ट मैच को फ्लॉप है, बाकी सभी मैचेस में कंसिस्टेंट है। हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं दोस्तों, 10 मैच इन्होंने खेले, 164 रन बनाए, 23 करोड़ से बैटिंग करें, 14 इनिंग दोस्तों 13 विकेट। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते कि इनको ज़्यादा लोग कैप्टन भी बनाएंगे इमाद वसीम को और इनका जो कि कॉम्बिनेशन करने वाले। और देखिए शादाब खान जो कि बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट भी रहते हैं प्ले जो कि पीसीएल मैचेस में। एंड अगर हम बात करते हैं वेरीक्वार्टर्स की, तो फिलहाल 11 मैच इन्होंने खेले इस ग्राउंड पर, 234 रन बनाए, 21 करोड़ से बैटिंग करें, 15 इनिंग में 24 विकेट है। देखिए दोस्तों ये गजब परफॉर्मेंस है इनके ग्राउंड पे, मतलब कि स्पिन बॉलर्स भले ही यार स्पिन फ्रेंडली पिच तो भी आपने देखा रिसेंट नहीं थी, बट यार इनका जो रिकॉर्ड कह रहा है तो इनको दोस्तों हम टीम में रखेंगे, ठीक है, टीम में रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होते, भले ही थोड़ा सा हेडक्वार्टर्स में बॉलिंग में कुछ कंसिस्टेंट नहीं है तो क्या हुआ, टीम में दोस्तों रखेंगे। और सेफ जाना चाहते तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं। आसिफ अली की बात करते हैं तो राइट हैंड बैट्समैन है, लास्ट मैचेस की बात करते हैं तो कुछ ज़्यादा खास नहीं नजर आए क्योंकि आपने देखा बिग बैश लीग में उसमें दोस्तों पूरी तरीके से फ्लॉप थे।
रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो 11 मैच में 290 रन, 41 करोड़ से बैटिंग करते हैं दोस्तों। बट पीसीएल में जो कि कंसिस्टेंट रहते हैं। वेन्यू की बात करते हैं, इस ग्राउंड पे 13 मैच में 221 रन, 31 करोड़ से बैटिंग करें। बट दोस्तों इनको रखना है कि नहीं रखना है, ये टॉस के बाद मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा प्लेइंग में मुझे थोड़ा सा डाउट है गाइस। ठीक है, बैटिंग ऑर्डर भी यहाँ पे इस टीम के लिए थोड़ा सा डाउट है, तो सारी चीजें जब वहाँ पे कंफर्म करेंगे टॉस के बाद, तब दोस्तों मैं इनको बताऊंगा कि रखना है कि नहीं रखना। अभी फिलहाल के लिए हम इनको टॉप करने हैं। फहीम अशरफ की बात करते हैं, इलेवन हंड्रेड बैट्समैन राइट हैंड मीडियम जो कि बॉलर्स हैं, पेस बॉलर्स हैं। एंड गाइस देखिए, स्पेल कर ये भी कराने वाले हैं, सदाब खान, फहीम अशरफ, जो कि आप ये को ये स्पेल कर दोस्तों कराते नजर आएंगे 4-4। एंड बात करते हैं इनके रिसेंट पर मैचेस की गाइस, तो फिलहाल अच्छा परफॉर्मेंस है। देखिए यहाँ पे पहले मैच 6 रन प्लस 1 विकेट, फिर 9 रन प्लस 0, फिर 6 रन प्लस 1 विकेट, 3 रन प्लस 1 विकेट, यहाँ पे 11 रन प्लस 2 विकेट। बट दोस्तों आपको पता है ये बिग बैश लीग में खेल रहे थे, स्टार्टिंग मैच पूरे तरीके से इनके फ्लॉप थे, लास्ट मैच भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस था, 2 विकेट जो कि मिल रही थी, 1 विकेट मिल रही थी। बाकी तो इनका जो कि इकोनॉमी रहता है गाइस बहुत ही हाई रहता है, मतलब ज़्यादा दोस्तों ये रन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, 7 मैच में 102 रन है, 34 करोड़ से बैटिंग करते हैं, 11 में 11 विकेट है। बट यहाँ पे कंसिस्टेंट है, क्योंकि यार होम ग्राउंड रहेगा इनका, आपको पता है। ठीक है, और विन रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, 10 मैच इन्होंने खेले जिसमें कि 120 रन इस ग्राउंड पे, 20 करोड़ से बैटिंग करते हैं, 15 में 17 विकेट है। तो यार पेस बॉलर्स हैं, सेफ जाना चाहते हैं तो इनको जरूर ट्राई कर लीजिएगा अपनी टीम में। बात करेंगे मोहम्मद वसीम जूनियर की, राइट मीडियम बॉलर्स हैं, लास्ट मैचेस गाइस की अगर हम बात करते हैं इनके, तो फिलहाल देखिए हाई स्कोरिंग पिच है और उसके अकॉर्डिंग यार सभी बॉलर्स को हम रख भी नहीं सकते, भले ही कितना अच्छा स्कोर कार्ड दोस्तों रहा हो। ठीक है, देखिए इनके 3 विकेट पहले मैच, उसके बाद फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, मतलब लास्ट 5 मैचेस में तो कंसिस्टेंट है, बट सामने वाली टीम के अगेंस्ट में दोस्तों कुछ अच्छा हेल्प नहीं मिला, 3 इनिंग में 2 ही विकेट है, तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम ड्रॉप करेंगे इनको। ठीक है, पहले मैच की बात कर रहा हूँ, पहले टीम की बात कर रहा हूँ। एंड वेन रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, 9 में 9 ही विकेट है। एंड ओवरऑल पीसीएल की बात करते हैं, 19 मैचेस में 20 विकेट है, तो पहले टीम में दोस्तों उनको ड्रॉप करेंगे, बट दूसरी टीम में ट्राई कर सकते हो, आपको पता है इंटरनेशनल प्लेयर हैं और विकेट भी दोस्तों उनको ठीक ठाक मिल जाती है। हसन अली की बात करते हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं, अगर हम बात करें इनके हेडक्वार्टर्स की, तो 14 मैच में 17 विकेट हैं, कंसिस्टेंट है। तो वेन्यू पे दोस्तों 17 में 24 विकेट है, तो यार इनको टीम में लेकर चलेंगे हम। एंड ओवरऑल भी दोस्तों बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस रहता है इनका पीसीएल टूर्नामेंट में, 63 इनिंग में दोस्तों 81 विकेट है, तो इनको हम टीम में लेकर के चलने वाले पहली टीम में। अब रारमित की बात करते हैं, लेग ब्रेक जो कि बॉलर स्पिन बॉलर्स हैं, और आपने देखा था यार जो इन्होंने खेला था भाई टेस्ट मैचेस और ओडीआई मैचेस, उनमें देखा था दोस्तों आपने, यहाँ पे देखिए 4 विकेट, फिर 7 विकेट, ये टेस्ट मैचेस का परफॉर्मेंस आपको बता रहा हूँ, फिर यहाँ पे देखिए 2 विकेट, 4 विकेट। ठीक है, चूंकि एक ही मैच का बता रहा हूँ आपको गाइस। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 1 विकेट, 4 विकेट, तो मतलब गजब परफॉर्मेंस रहता है गाइस। एंड देखिए सामने वाली टीम की अगर हम बात करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में उनको 3 विकेट भी मिल रहे हैं, वेन्यू पे 1 भी मैच नहीं है, और पीसीएल के दोस्तों 4 मैचेस में 3 ही विकेट हैं, तो पीसीएल में खराब परफॉर्मेंस, बट यार जो कि 3 विकेट इनकी है सामने वाली टीम के अगेंस्ट में ही है। इस पिच पे अगर हम बात करते हैं गाइस, तो फिलहाल 1 भी मैच नहीं है। ओवरऑल पीसीएल की बात करते हैं, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं है, और ओवरऑल टी20 में दोस्तों 18 में 19 विकेट हैं, तो इनको भी दोस्तों हमें हेडवर्ड और स्मॉल में जरूर ट्राई करना, क्योंकि दोस्तों इनको बहुत कम लोग रखेंगे, और ग्रांड लीग के लिए भी अच्छी पिक हो सकते हैं, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर है, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हाईएस्ट विकेट भी निकाल सकता है। बेंच प्लेयर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जफर गुहार, रोमन रेस, एंड उसके बाद टाइमल मिल्स, गुटेक्सन, एंड दोस्तों मोहन अली जो कि फिलहाल आपको पता है अनअवेलेबल है। ठीक है, बाकी गाइस आपको पता हो गया कि यहाँ पे हेडक्वार्टर्स, पेन रिकॉर्ड्स, प्लेयर स्टेट्स क्या है, पिच रिपोर्ट कैसे जो कि यहाँ पे काम करने वाली, वहाँ पे आपने क्लियर कर लिया। बाकी तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि टॉस के बाद वहाँ पे अपडेट एंड प्लेइंग 11 जो रहेगी उसके अकॉर्डिंग बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगा सब कुछ मैं क्लियर कर देता हूँ, एक टीम मैं आपको शो करा देता हूँ। गाइस ये मेरी पहली टीम रहेगी जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने आपको सिलेक्शन बताया स्टेट्स के अकॉर्डिंग, तो यार उसके थ्रू मेरी ये पहली टीम रहेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन की, आपको पता है इमाद वसीम भी स्पेल करा रहे हैं और बैटिंग भी ठीक ठाक, रेस्टोरेंट आपने देखी, सदाब खान भी स्पेल क्योर कराएंगे और साथ साथ बैटिंग भी करेंगे दोस्तों, तो इनका कॉम्बिनेशन अगर आप करना चाहें तो सेफ रहेगा, आप जा सकते हैं ग्रांड लीग में। एंड थोड़ा सा अगर आपको लगे कि भाई हाई स्कोरिंग पिच है और रिसेंट भी अच्छा स्कोर बना है, आपने देखा भी यार पॉल स्टिंग भी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, जैसे कि टॉम कलर कर्ड में कोड मोड ने दोस्तों 92 रन बनाए थे, बाकी ये वाला कॉम्बिनेशन भी दोस्तों आपको करना है, एलेक्सेल और स्वाइब मलिक वाला। एंड गाइस बेन कटिंग और फहीम अशरफ भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, फहीम अशरफ को दोस्तों हम ट्राई करेंगे इस मैच में, पीसीएल में बढ़िया रिकॉर्ड रहता है। एंड उसके बाद बॉलिंग सेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड दूसरी तीसरी टीम दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, इसको भी आपको कन्फर्म करना है टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। होप गाइस वीडियोस पसंद आए, लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही प्रेडिक्शन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।